एवरीवन, आई एम सुचि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुचीज किचन। आज हम बनाने वाले हैं जेम्स आइसक्रीम। ये बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम है और बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाती है। हम बिल्कुल मार्केट जैसा क्रीमी टेक्सचर लेके आएंगे अपनी आइसक्रीम में और इजी है बहुत बनाना। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं क्वालिटी वॉल्स की जेम्स बर्स्ट आइसक्रीम। इसके लिए सबसे पहले हमने चिल्ड बोल लिया है, इसको मैंने 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप क्रीम। ये भी बिल्कुल चिल्ड है फ्रेंड्स, चिल्ड ही क्रीम आपको यूज़ करनी है और उसके बाद हम इसको बीट करेंगे अच्छे से। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। जब हमारी क्रीम अच्छे से बीट हो जाती है तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है और स्टिफ पीक्स हमको मिलने लगते हैं। बिल्कुल हमें मार्केट जैसा टेक्सचर, क्रीमी टेक्सचर चाहिए, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क से बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है। अभी हम इसको फिर से अच्छे से बीट कर लेंगे फ्रेंड्स, इसको अच्छे से बीट करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून डार्क चॉकलेट। इसको मैंने 30 सेकेंड के लिए डार्क चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था। इसको भी अच्छे से बीट कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आएगा और बहुत ही अच्छा चॉकलेट का फ्लेवर आएगा फ्रेंड्स। अगर हम क्रीम को यहाँ पे अच्छे से बीट नहीं करेंगे तो हमारी आइसक्रीम जब जमेगी तो उसमें आइस के क्रिस्टल्स आ जाएंगे, वाटर क्रिस्टल, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अभी आप देखिए, हमने बहुत अच्छे से क्रीम को बीट किया था तो हमारी आइसक्रीम बिल्कुल क्रीमी आपको दिख रही है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे जेम्स। यहाँ पे मैंने 3 पैकेट जेम्स के लिए हैं। ये बिल्कुल फ्रीज़र से मैंने बाहर निकाल के रखी हुई थी तो ये सॉफ्ट हो गई है और इसको हम हाथ से अच्छे से इजीली टूट जाएंगी, तो सबको हम ऐसे हाथ से तोड़ लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी जेम्स को तोड़ लिया है। अभी हम इसमें से 3/4 जेम्स इसमें ऐड कर देंगे और बचा लेंगे हम ऊपर से डालने के लिए जब हम इसको गार्निश करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। जेम्स तो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद होगी फ्रेंड्स, तो ये आइसक्रीम आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। आप इसे पक्का से अपने घर पे ट्राई कीजिए। अभी हम इसको कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप इसे ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। अभी हम इसको टैप कर लेंगे जिससे इसके जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएंगे और ऊपर से हम इसमें डालेंगे जो हमारी बची हुई जेम्स हमने बचा ली थी। कितनी सुंदर लग रही है फ्रेंड्स, ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। इसको कवर करके हमें फ्रीजर में रख देना है 8 आवर्स के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए। हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है फ्रेंड्स, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बनी है हमारी, और इसमें बिल्कुल भी आपको क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने क्रीम को बहुत अच्छे से बीट किया था। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आइसक्रीम में फ्रेंड्स क्रिस्टल्स आ रहे हैं तो आप उसको एक बार और हैंड मिक्सर से या फिर मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद फिर से उसे जमाने के लिए रख दीजिए, तब आपकी आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट जैसे टेक्स्चर में आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी यम्मी हमारी आइसक्रीम बनी है। आपकी किड्स को तो ये पक्का से बहुत अच्छी लगने वाली है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका जेम्स का। क्वालिटी वॉल्स की एक जेम्स बर्स्ट आइसक्रीम आती है फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम वही टेक्सचर आया है आइसक्रीम में और टेस्ट भी वही है। इसको गार्निश कर देते हैं जेम्स के साथ और अपने किड्स को, फैमिली मेम्बर्स को आप सर्व कीजिए। बहुत ही सॉफ्ट, यम्मी, डिलीशियस हमारी आइसक्रीम बन के रेडी हुई है। आप इसे अपने घर में ट्राई कीजिए, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट न्यू रेसिपी नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून।